What's up everyone, welcome back to the channel. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान से देखनी है. तो पूरी लिस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की है, देख लेते हैं कौन कौन सी डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. अदर देन दिस, अगर आपको कोई और लगता है कि ये डेट हमने पढ़ी है और ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना, सो दैट बच्चे वो भी एक बार देख लें. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. ऑल दी डेट्स एट वन प्लेस. तो शुरू करते हैं गाइस. सबसे पहले फर्स्ट पेज के साथ, पहले पेज पे इतनी ही हमने डेट्स लिखी हैं. सबसे पहले फॉरनर्स का हमारे इंडिया में कहां से आवागमन शुरू हुआ, बैटल ऑफ प्लासी से. बैटल ऑफ प्लासी 1757, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेट. मैं इंपॉर्टेंट डेट्स मार्क करता रहूंगा और जो एक्स्ट्रा है वो तुम लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1850 में रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गया था. पहला पोस्टल स्टैम्प कब लॉन्च हुआ था, 1852, कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है एक बार देख लेना. 1854 फर्स्ट रेलवे ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया. रेलवे ब्रिज का काम पूरा हो गया था बट पहला ट्रेन जो रन हुआ था वो हुआ था 16 अप्रैल 1853 में. तो याद रखना ये जो डेट है ना 16 अप्रैल 1853, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर रेलवेज, ठीक है. तो 1853 याद रखना, 54 की जरूरत नहीं है आपको, ओके जी. इसके बाद ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है. 1881 पहला ऑफिशियल सेंसस. 1907 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपको पता होना चाहिए. 1932 में प्राइवेट सेक्टर का एविएशन लॉन्च किया गया था, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आरबीआई 1935, ये आपको पता होना चाहिए. 1948 पहला आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये आपको पता होना चाहिए. ये आपकी यहां तक की पहले पेज की इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं. इसके बाद हमारे पास प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, 1950, इंपॉर्टेंट डेट है. इसके बाद WHO 1950 आपका WHO कंप्लीटली स्टैब्लिश हो गया था. 1951 इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला 5-year प्लान, ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान. 1951 डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 53 फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड इन चाइना, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, चाइना वाली बातें तो बाद में कर लेंगे, इसका हमें कुछ नहीं करना. ये भी इतना खास नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए. 55 कारवा कमेटी, ये ज़रूर पता होना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, कारवा कमेटी. 56 सेकेंड इंडस्ट्री आईपीआर 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 58 इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए. 65 भी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए. 66 वेरी इंपॉर्टेंट, 1966 फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला फेज 66 में ही, हाई यील्डिंग वैरायटी वही ग्रीन रेवोल्यूशन. ये यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से. इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो 69 पे MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट 69, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 69, ये भी ऐसा कुछ खास नहीं. बिगिनिंग ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, 1970 वाइट रेवोल्यूशन पता होना चाहिए. एटॉमिक पावर का ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट, इसकी भी जरूरत नहीं है. 1982 नाबार्ड 1982 याद रखना. 86 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 88 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये. 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आपने नहीं देखना, बस डेट 1992. अच्छा 1995 WTO, ये देख लेना एक बार, सही है जी, ये इसकी जरूरत नहीं है ना ही इसकी जरूरत है. सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम देख लेना 1995 में, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. इसके बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2012 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, 2014 ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2014 वो जीरो बैलेंस वाले खाते, 2014 में ही मेक इन इंडिया, 2015 में नीति आयोग मतलब नाम बदल दिया गया था प्लानिंग कमीशन का, देन वी हैव 2016 में डीमोनेटाइजेशन एंड 2017 में GST, ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है जी. इसके साथ साथ बेटा जी कुछ छोटे छोटी टर्म्स हैं जिनकी फुल फॉर्म ज़रूर देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है. मैंने लिख के रखी थी अपनी कॉपी में, कहाँ गई,
NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके अलावा UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो जाता है, इसके बाद AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NCERT, UGC, और इसके बाद हमारे पास एक और आता है, लिखा हुआ था मैंने, कहाँ गया, नोट डाउन करा था, दैट इज ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, एजुकेशन में इसका सबसे बड़ा योगदान, हेल्थ में इसका सबसे बड़ा योगदान। अगर हम एजुकेशन स्कूल लेवल पे करें तो NCERT, कॉलेज लेवल पे करें तो यूनिवर्सिटीज, और ये तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, तो ये आपको इनके फुल फॉर्म जरूर पता होने चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डेट्स में इतना करो, इनके फुल फॉर्म्स एक बार देख लेना, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, हर चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है जो पूछ सकते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इसके लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, डेट्स लिख ली होंगी, इन्हें लर्न कर लेना, और इनमें से अगर डेट आएगी तो इसी में से आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल।